दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं बुखातिर टी ट्वेंटी लीग का आज का दिन का पहला मुकाबला के बारे में, जो खेला जाएगा डीसीसी स्टारलेट्स वर्सेस अजमान हीरोज के बीच में। दोस्तों, इस वाला मुकाबला को डीपली कवर करेंगे। डीसीसी की टीम अब तक एक ही मुकाबला खेली है, अजमान हीरोज की टीम अब तक इस सीरीज में दो मुकाबले खेले, और इस वाला वीडियो में आपको हर प्लेयर के स्टैट्स मिलेगी मिलेगी आपको बैटिंग ऑर्डर। अजमान हीरोज़ की टीम भाई दोनों दोनों मुकाबले हार कर रही है, ये भी एक बुरी बात है और बहुत ही बुरा तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि स्कोरिंग तो करवाई थी पहले वाला मैच में 189 रन, यहाँ पे 151 रन, फिर भी आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बढ़ रहा है इस टूर्नामेंट में दोस्तों। ठीक है, सामने की टीम में इनकी टीम ने भी लास्ट वाला गेम हार के आ रही दोस्तों, क्योंकि इनकी टीम ने भी 219 रन करा था फिर भी आ रही थी। भाई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बढ़ रहा है टूर्नामेंट में, मैं आपको पहले बताता हूँ, और इस वाला वीडियो में आपको हर चीज़ बताएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जुड़ो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके जुड़ना, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करो @expert102, 17,200, 300, 400, इसी के समथिंग आपको सब्सक्राइबर दिखने वाले हैं, और यही हमारा रियल चैनल है, आपको यहीं पर क्लिक करके जुड़ना भी है। मुकाबला टाइम रहेगी दोस्तों, रहेगी यहाँ पर 10 बजे, वेन्यू सेम रहेगा, वेन्यू रहेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में, जहाँ के विकेट आप बैटिंग भी कैट कर सकते हो प्रॉपरली, पूरे पूरे बैटिंग को हेल्प कर रही है। ठीक है, पहले बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन रहा है, 200 प्लस बनना तो भाई आम बात हो गया, बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग बन रहा है, तो अपने ज़्यादा बैट्समैन को प्रेफर करना। ठीक है, ज़्यादा बॉलर को लेना कोई मतलब नहीं बनेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा रन बन रहा है। पहले बात करेंगे अजमान हीरोज टीम की, इनके जो ओपनर था दोस्तों वो थे लास्ट वाला गेम में अदनानुल मुल्क, इनके साथ आएंगे अदनान अरीफ। अदनानुल मुल्क टीम के कैप्टन है, लास्ट वाला मैच में इन्होंने एक पे आउट हुआ था, बट उसके बाद उनका 49 रन करते, रमदान टी ट्वेंटी वाला में 2 मैच में 10 रन था, टी ट्वेंटी वाला में 6 मैच में 151 रन था। पहले शानदार है, एमएस मौली की टीम अगेन पिक करके चलेंगे इनको बैटिंग सेक्शन से। अदनान अरीफ विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगा, पहले वाला गेम में बैटिंग आई नहीं थी क्योंकि टीम इनको बहुत ज़्यादा नीचे खिलाया था जब खाली सा ओपनिंग करवाई थी, बट लास्ट वाला गेम में इनसे ही ओपनिंग करवाया गया। पहले शानदार है ओवरऑल आप कह सकते हो। शारजा रमदान टी ट्वेंटी वाला में 4 मैच में 73 रन था, 18 का एवरेज से, और टी ट्वेंटी वाला में 6 मैच में 74 रन था। कभी कभार मतलब ओपनिंग आते हैं नहीं जाते नीचे ही खेलते, छोड़ेंगे हम इसमें की टीम में, खालिद शाह इस टीम तरह से विकेट कीपरिंग करा रहे, और आपको स्मॉल की टीम में विकेट की पसंद सीधे सीधे भी करना है। पहले वाला मैच में सेंचुरी नोट आउट बनाए थे 115 नोट आउट, लास्ट वाला गेम में 19 पे आउट हुआ। रमदान टी ट्वेंटी वाला में 3 मैच में 58 रन था, और टी ट्वेंटी वाला में 4 मैच में 62 रन था, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस बनता है, पिक करके चलेगा। अजमाल पहले वाला गेम में 8 रन 3 विकेट 4 बार डाल के लास्ट वाला गेम में विकेट लेस गए थे, बट प्लेयर बढ़िया है, अपने स्मॉली की टीम में लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बंदा ना सेकंड डाउन बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करने का भी क्षमता है, क्योंकि आपने शारजा रमदान टी ट्वेंटी का सीरीज देखा था जहाँ पर 4 मैच में 70 रन कर रहे थे। रसूल एक बढ़िया पिक हो सकता है, लास्ट वाला गेम में आके 45 की शानदार पारियाँ खेली थी, 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, मैंने आपको बताया भी था। रमदान टी ट्वेंटी वाला में 3 मैच में 47 रन था, 6 विकेट था, और टी ट्वेंटी वाला में 2 मैच में 71 रन था, और 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी। पहले बहुत शानदार है, आपने रख के चलना। नासिर अजीज ने पहले वाला गेम में 2 विकेट, लास्ट वाला गेम में 1 विकेट निकाला था, आपने स्मॉली की टीम इनको भी लेना, तो इनको भी पिक करना चल पिक करके चलना दोस्तों। उनके बाद आएंगे सेल्डन डिसूज, जो लास्ट में आके हिटिंग कराई थी, अब इनको मौका इसलिए मिला था ना क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर सारे सारे स्ट्रगल किया था, 3-4 प्लेयर्स आप देखोगे अजमाल मतलब 4 प्लेयर्स सारे सारे स्ट्रगल किया था बैटिंग से, इसलिए इनको बैटिंग आ गई थी, अदरवाइज इनको बैटिंग नहीं मिलता। अपन नहीं ट्राइंग करेंगे, संजीत शर्मा ने भी सिर्फ 1 रन करे थे, बॉलिंग नहीं कराई थी। सुल्तान अहमद बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, अपने इनको पिक करके चलना। निर्मल सिर्फ फील्डिंग कराई थी, और यहाँ पे अंकुश सगवान एक अच्छा खासा विकेट टेकर बॉलर है, क्योंकि स्टार्टिंग उद्देश्य में इनको टीम देती है, भले ही लास्ट लगे में विकेट लेस गया ओला की बात है, लेकिन शानदार प्लेयर है। आपको अजमान हीरोज़ की टीम से अदनानुल मुल्क खाली से दो हो गया, तीसरा प्लेयर अजमाल रहेगा, वजाहत रसूल रहेगा, अजीज रहेगा, उनके अलावा यहाँ पे स्मॉली की टीम में अंकुर सगवान रहेगा। आप सुल्तान अहमद को ले सकते हो, लेकिन सुल्तान अहमद भी स्टार्टिंग ओवर डालता है, माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, उनके अलावा इनके जो भी बेंच पर बैठे हैं प्लस, हमने सबके नाम लिखी है, स्टार्टिंग ओवर देखोगे सुल्तान अहमद पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा अंकुर सगवान आए थे, अंकुर सगवान, नासिर अजीज, सुल्तान अहमद आपको देते में ज़्यादातर डालते नजर आएंगे। ठीक है, उनके अलावा और भी प्लेयर्स हैं जो कि इनके बेंच पर है, टीम इनमें से किसी प्लेयर्स को खिलाती है तो मैं बताऊँगा जरूर आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो सामने की टीम है DCS की टीम से। ठीक है, इनकी टीम के बारे में बता दूँ दोस्तों, लास्ट वाला गेम हार के आ रही है, लेकिन गाइस इनकी टीम ने 219 रन करे थे, बहुत बढ़िया टीम से, माइंड में रख के चलिएगा। इनके जो ओपनर थे शाहरुख अमीन थे, इनके साथ आए थे ऋषभ मुखर्जी, अमीन ने 0 पे आउट हुआ था। ओवरऑल में आप 257 मैच में 5500+ रन देखेंगे, 26 गवरे से बैटिंग है, क्लास का करा सकता है, मस्ट है पिक रहेगा बहुत सारे मैच के लिए, तो आपके लिए एक डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, फिर से ओपनिंग करता है तो गगन की टीम में जरूर ट्राई करेंगे।
उनके बाद आएंगे ऋषभ मुखर्जी जो कि राइट एम बैटिंग कराते हैं, राइट एम लेग ब्रेक बॉलर है, वैसे तो एज ए बैट्समैन प्ले करता है क्योंकि कभी कभार ना टी टेन में कभी कभार बॉलिंग करा लेता है, नहीं ज़्यादातर बैटिंग कराता है, लेकिन ओपनिंग कराई थी तो आपके लिए एक डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है। श्रेयस शेट्टी ने 57 रन बनाए थे, हमने स्मॉली की टीम में पिक करा था, और अगैन पिक करेंगे, विकेट कीपरिंग भी करेगा, कैचे और स्टम्पिंग से आपको पॉइंटेज देगा। उनके बाद आए थे सौर्य सिंह जो कि एक ओवर के बॉलिंग कराई थी, बैटिंग से पता नहीं कितना मारा था, मैंने तो भूल ही गया लिखने यार उसके लिए सॉरी। ठीक है, शिवाल बाबा ने 70 रन करे थे, दो ओवर की बॉलिंग करवाई थी, दो विकेट निकालते हैं। शिवाल बाबा जैसे कि लास्ट लगे में बैटिंग से परफॉर्मेंस करी ना दोस्तों, वैसे उस टाइप के पल मतलब हाइए नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मतलब ऊपर से ठीक हो ना, अभी बारिश हो रही है, ठीक है इसलिए थोड़ा आवाज़ हो रहा है, उसके लिए सॉरी। उनके बाद आएंगे किरण धीमन जो कि एक ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट लेस गए थे। हर्षित सेठ एक अच्छा खासा प्लेयर है, राइट एम बैटिंग कराते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, फिर भी विकेट लेस गए थे। अब्दुल्ला तारिक ने 3 ओवर डाल के विकेट निकालता, शुभ मेहता ने 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी। उनके बाद आप युग शर्मा को ले सकते हो, युग शर्मा आपको स्टार्टिंग और डेथ में यूज होते नजर आएंगे। दोस्तों आपने इस टीम से मुखर्जी को तो मैं नहीं बोल रहा लेने को, क्योंकि अभी आपने देखा था ओवरऑल में शारजा CBFS T10 T20 कुछ खास नहीं था दोस्तों, छोड़ेंगे। श्रेयस शेट्टी को पिक करेंगे स्मॉली के टीम में, शिवाल बाबा को ले सकते हो, शिवाल बाबा लास्ट वाला मैच में स्कोरिंग कराई थी ना, तो टीम इनको ऊपर खिलाएगी, इनकी टीम मेरे को थोड़ा सा वीक नज़र आ रही है, माइंड में रखे चलिएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग के ऊपर अब्दुल्ला तारिक, युग शर्मा, हर्षित सेठ, इनको और भी प्लेयर्स है जो कि बेंच पे है, हमने सबके स्टार्ट निकाली है, टीम इनमें से किसी को खिलाती है तो मैं बताऊँगा जरूर आपको टेलीग्राम पर। दोस्तों हमने सौर्य सिंह को स्टार्ट नहीं बताई थी, मैं एक सेकेंड मुझे बताता हूँ। इन्होंने 40 रन करे थे बैटिंग से, और इन्होंने एक ओवर की बॉलिंग कराई थी, बैटिंग सेकंड डाउन करे थे, प्लेयर बढ़िया है, अपने स्मॉली की टीम में इनको ट्राई करेंगे। आते हैं यहाँ पर टीम बनाने दोस्तों, बात करेंगे विकेट के प्रशिक्षण में, शेट्टी को पिक करने वाले ओपनिंग करेगा, मास्टर पिक रहेगा। उनके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों सौर्य सिंह को पिक करेंगे बैटिंग सेशन से, शिवाल बाबा को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में जब नीचे आओगे, शाहरुख अमीन ओपनिंग करा कर देगा दोस्तों, ले सकते हो ठीक है, लेकिन कुछ खास प्लस है नहीं, अपने माइंड में रख के चलिएगा। तो अपन किसको पिक करेंगे दोस्तों, खाली शाह को, शेट्टी को पिक करने वाले, शिवाल बाबा, उनके बाद सौर्य सिंह, अदनानंद मुल्क, मुल्क की जगह पे आप ऋषभ मुखर्जी को ले सकते हो, अरिफ कभी ओपनिंग करता कभी नहीं करता, तो अपन इनको ट्राई करने वाले है नहीं दोस्तों। उनके अलावा यहाँ पे डिसोजन भी नीचे खेले थे, अमीन भी ओपनिंग करवा रहा है, सिलेक्शन परसेंटेज एक है, ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करिएगा। नासिर रजीज को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में, वजाहत रसूल को पिक करेंगे, नीचे सारे सारे वीक प्लेयर है, मैं स्मॉली की टीम में किसी को भी नहीं ले रहा। अजमाल अंकुर उनके बाद यहाँ पे स्मॉली की टीम में पिक करूँगा दोस्तों, करूँगा यहाँ पर शुभ मेहता को। बाकी आ जाते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में आकर के, या फिर सुल्तान अहमद भी इम्पोर्टेंस रहेगा, सुल्तान अहमद की जगह पे आप संचित शर्मा को ले सकते हो, लेकिन संचित शर्मा ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई थी, इनके जगह पे आप सेठ को भी ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बताऊँगा टेलीग्राम पे, जब टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। मेरा खाली सा कैप्टन रहेगा वजाहत रसूल को, मैं अभी के लिए वीसी कर रहा हूँ, कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप का डिफरेंस ऑप्शन रहेगा, और रहेगा सौर्य शेट्टी। लोग शिवाल बाबा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग अच्छा खासा नहीं कराते दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग डाल दी थी ना, इसलिए मैंने पिक भी करा था, नहीं तो पिक भी नहीं करता मैं इनको, मैं आपको पहले बताता हूँ दोस्तों, ध्यान रखे जाइएगा। दोस्तों मेरा डेमो टीम बन गया है, और फाइनल टीम लास्ट टाइम बताऊंगा आपको टेलीग्राम पर, जब टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो जुड़ के चलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, वेस्ट ऑफ लक।